नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में ओलंपिक के अंदर गोल्फ खेल के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भारत के खिलाड़ियों की इस समय क्या रैंकिंग है और क्या भारत के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में क्वालिफाई कर पाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं जसपाल सिंह अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गोल्फ के अंदर जो कोटा मिलता है वो एथलीट को मिलता है ना कि उस देश की एन यानी नेशनल ओलंपिक कमेटी को नहीं मिलता है मतलब यहाँ वर्ल्ड पर खिलाड़ी की रैंकिंग जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार ही कोटा मिलता है गोल्फ के अंदर रैंकिंग के लिए जो विंडो ओपन हुई थी वो जून 2022 के अंदर खुली थी और जून 2024 में बंद होगी मतलब इन दो साल के अंदर कुछ टूर्नामेंट गोल्फ के खेले जाएंगे और उसके अनुसार ही रैंकिंग सेट होगी गोल्फ के अंदर मैन और वोमेन कैटेगरी के, के अंदर साठ साठ खिलाड़ी भाग लेते हैं गोल्फ के अंदर क्योंकि ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले ही होता है तो होस्टिंग कंट्री होने के कारण फ्रांस के एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी ऑटोमेटिक यहां पर कोटा मिल चुका है मतलब अब केवल उनसठ उनसठ खिलाड़ियों की ही रैंकिंग देखी जाएगी अब गोल्फ की रैंकिंग के कुछ रूल की बात भी कर लेते हैं महिला कैटेगरी के अंदर जो टॉप 15 खिलाड़ी होते हैं अगर एक ही देश के चार खिलाड़ी टॉप 15 खिलाड़ी के अंदर हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे थोड़ा और समझा देता हूँ मान लीजिए यूएस के चार खिलाड़ी टॉप 15 के अंदर आते हैं तो यू के चार खिलाड़ी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद अगर नेक्स्ट दस प्लेस पर यूएस के और भी खिलाड़ी हों तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ऐसे ही पंद्रह रैंक के बाद है अगर यहाँ पर दो खिलाड़ियों ने एक ही देश के क्वालिफाई कर लिया है तो उस देश के और खिलाड़ी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अब बात करते हैं भारत के खिलाड़ियों की महिला फॉर्मेट के अंदर टॉप 60 में भारत की अदिति अशोक और दीक्षा डागर अभी तक जगह बनाने में कामयाब हो पाई हैं ओलंपिक के हिसाब से टॉप 60 खिलाड़ियों में अदिति अशोक अभी तक पैंतालीसवीं पोजीशन पर है और दीक्षा डागर अंतिम पोजीशन यानी साठवी पोजीशन पर है वैसे अभी तक जून 2024 तक बहुत सारे टूर्नामेंट खेले जाने हैं तो उसके हिसाब से अभी भी रैंकिंग में अप डाउन हो सकता है अगर मैन कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर रूल थोड़ा सा अलग है यहाँ पर टॉप टेन रैंक में एक ही देश के चार खिलाड़ी क्वालीफाई कर सकते हैं तो दसवीं रैंक के बाद एक देश के दो खिलाड़ी ही क्वालिफाई कर सकते हैं भारत की बात करें तो टॉप सिक्सटी खिलाड़ियों में भारत के अनिरभन लहरी अभी छत्तीसवीं पोजिशन पर हैं और शुभंकर शर्मा अभी इक्यानवी पोजिशन पर हैं तो इस हिसाब से अभी तक भारत के चार खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में क्वालिफिकेशन के लिए मजबूत दावा पेश किया हुआ है देखने वाली बात होगी कि आने वाले टूर्नामेंट्स में भारत के खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहेगा आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से खेल में भारत के खिलाड़ियों की रैंकिंग जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ धन्यवाद